हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके मैथ मस्ती। तो मैं अजीत अंदर, तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके का सीरीज़ में या पार्ट 8th भी 10th वीडियो है। तो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक निकंगना दिख रही होगा, यहाँ पे स्पाइस दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ कोकोनट ट्रीज, और एंड यहाँ पर आपको कोकोनट ट्रीज और यहाँ पे आपको कुछ स्टूडेंट दिख रहे होंगे। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस राज्य के बारे में हम बात करने वाले हैं, किस राज्य के स्टैटिक जीके के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में केरला के बारे में बात करेंगे। केरला आपको पता होगा, केरला सबसे इम्पोर्टेंट राज्य हो जाता है पूरे देश के अंदर। आपको पता होगा कि जो केरला है वो साउथ इंडियन स्टेट है, जो कि कोस्ट लाइन से भी लगता है, जो मीन्स क्या इंडियन ओशियन से भी लगता है, जिसको हम लोग मालाबार के नाम से जाना जाए, मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक लड़की दिख रही है, ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, ठीक है। तो ये डांस होता है मोहिनी अट्टम केरला में होता है डांस, जो परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे स्पाइस का मैंने आपको यहाँ पे सिंबल क्यों देखा है, क्योंकि स्पाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसको केरला को कहा जाता है स्पाइस सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोला जाए तो नारियल का ट्री बहुत ही मोस्ट लार्जेस्ट पाया जाता है। और फिर बात किया जाए यहाँ पे एजुकेशन इंडेक्स में आगे है, अप्रोक्स 96.4% यहाँ पे लिटरेसी रेट है। मीन्स तो सबसे इम्पोर्टेंट राज्य हो जाता है जो टोटली इंडिया का अंदर जो राज्य अभी प्रेजेंट में 28 है। और बात किया जाए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अप्रोक्स हम लोग 9th स्टेट के बारे में बात कर चुके हैं स्टैटिक जीके के बारे में। फिर ये अपना 10th वीडियो, ठीक है। वो वीडियो आप नहीं देखा होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पे शो हो रहा है तो बात करें कि श्री पद्मस्वामी टेम्पल जो यहाँ पर है, ठीक है, पद्मस्वामी टेम्पल केरला में है। और यहाँ पे एक और टेम्पल का मैंने आपको यहाँ पे इमेज दिखाया हूँ मैं, तो यहाँ पे अटुकल भगवती टेम्पल है, जो कि कहाँ पर है, ये भी केरला में, ठीक है। ये सारा टेम्पल है, तो हम लोग पूरा डिटेल्स बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप कहीं से भी कुछ आपका बेसिक कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो लंबा हो सकता है बट आपको वेस्ट टाइम करेंगे, आप टाइम देंगे तभी कुछ सीख पाएंगे, बिना टाइम का कुछ मिलने वाला है नहीं। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है, टाइम तो देना ही पड़ेगा, तब आप पूरा नॉलेज ले पाएंगे वीडियो को। अप्रोक्स 30 मिनट्स का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखा था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है केरला स्टैटिक जीके, ऑल स्टैटिक जीके जितना भी हो सकता है केरला के पर्सपेक्टिव से। और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि अभी करंट अफेयर में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो आपको यहाँ पे सिंबल में दिख रहा है क्या करना, लाइक्स जरूर करना, ठीक है। और जीके के बारे में बात करेंगे, चलिए तो आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंडिया का मैप, ठीक है, इंडिया का मैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो केरला कहाँ पर स्थित है, केरला साउथ इंडियन स्टेट है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा केरला, ठीक है। केरला और इसके साइड में तमिलनाडु, और यहाँ पे कर्नाटका लगता है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर केरला से कौन कौन से राज्य लगते हैं, यहाँ पर देख रहे कर्नाटक लगता है और यहाँ पर तमिलनाडु लगता है। इसको साउथ ईस्ट क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ समझाने के लिए आपको। तो ये अपना सिंबल में ये नॉर्थ हो जाता है, और यहाँ पे ईस्ट हो जाता है, और ये आपका साउथ हो जाता है, और यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, ठीक है, ये वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो इस लाइन पर आता है मीन्स यहाँ पर आता है ना ये, तो इसको आप लोग साउथ वेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो साउथ वेस्ट में क्या, साउथ वेस्ट में केरला पड़ता है, ठीक है, साउथ वेस्ट में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जान गए हैं, और बिहार के बारे में, और झारखंड के बारे में, पश्चिम बंगाल के भी अप्रोक्स जान चुके हैं, फिर उड़ीसा के बारे में, फिर छत्तीसगढ़ के बारे में जान चुके हैं, फिर जो हार्ट ऑफ इंडिया का नाम है मध्य प्रदेश के नाम से भी जो स्टेट उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर अपना नेक्स्ट वीडियो केरला का भी, जो केरला आपको सॉरी कर्नाटका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कर्नाटका यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, कर्नाटका यहाँ पे। तो कर्नाटका के बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। ये सब वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर वॉच कर सकते हैं और वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे केरला का मैप आपको दिख रहा होगा, केरला में 31 डिस्ट्रिक्ट टोटली है, ठीक है।
तो यहाँ पे नो सॉरी 31 तो केरला कर्नाटका में, केरला में 14 ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टोटली टोटली यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। इंडिया मैप में कहाँ, तो इंडिया का मैप आपको दिखा दिया यहाँ पर, इंडिया का मैप में, ठीक है। चलिए तो फिर मैंने यहाँ पे जूम करके केरला का, यहाँ पर केरला का जो कोस्ट लाइन ये लगता है, इसको मालाबार एक्साइज मालाबार कोस्ट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इंडिया का मैप होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें हम लोग कौन कौन से कंटेंट के बारे में जानेंगे, मीन्स वीडियो में कौन कौन से कंटेंट होगा जिसके बारे में हम लोग पूरे वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, बैक करता हूँ। फॉर्मेशन डे के बारे में जानेंगे, फॉर्मेशन कब हुआ, कैपिटल कहाँ है, नोन एज किस नाम से जाना जाता है, गवर्नर, CM, चीफ जस्टिस ऑफ यहाँ के कौन है, एरिया इसका क्या है, बॉर्डर लाइन क्या क्या है, बॉर्डर लाइन कौन कौन से लगते हैं मैंने बताया, पॉपुलेशन क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे कौन कौन से है। फिर यहाँ पे बात कर जाए स्टेट सिंबल से, यानी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, स्टेट पक्षी क्या है, स्टेट बर्ड, एंड यहाँ पे कौन कौन से सॉन्ग है, डिफरेंस डांस फॉर यूनेस्को के लिस्ट में कौन कौन से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन से है, और यहाँ पे बर्ड सेंचुरी कौन कौन से है, यहाँ पे वाइल्ड सेंचुरी और रिवर, यहाँ पे डैम एंड लेक्स, वाटरफॉल, पावर प्लांट्स, यहाँ पे एयरपोर्ट, यहाँ पे बहुत सारा है यहाँ पर, तो उसके बारे में, स्टेडियम कौन कौन से, ट्राइब्स यहाँ पे कौन कौन निवास करते हैं, इंपॉर्टेंट मोमेंट कौन से है, निक नेम्स कौन कौन से है जिसको किन नाम से जाना जाता है, तो ये भी बात करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन कौन सुनाया जाता है, GITEC यहाँ पे, टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे कौन कौन से, उसके बारे में, तो ये सब कंटेंट है जिसके बारे में बात करेंगे। तो अप्रोक्स जितना भी बेसिक हो जाता है उसके बारे में बात तो हम लोग करेंगे, कुछ नहीं छूटने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट बात करें केरला शेयर इट्स बॉर्डर, माने कौन कौन से राज्य है जिससे केरला का बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो दो ही राज्य लगता है, मैंने आपको सिंबल में दिखाया है, ठीक है, दो ही राज्य अप्रोक्स लगता है। बैक करता हूँ मैं, थोड़ा सा बैक करता हूँ, हाँ, तो केरला लगता है एंड तमिलनाडु लगता है, और एक दो थर्ड है तो अरेबियन सी भी लगता है जिसको मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है, मैं भी बताया आपको। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं, इसका हिस्ट्री क्या है, कब क्या हुआ, कब राज्य बनाया, क्यों बनाया गया, जो भी है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हिंदी में दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, बट हिंदी ये नहीं कि मैं को आपको इंग्लिश में ही दे रहा हूँ तो आपको समझ में आया, तो हिंदी में मैं भी ट्रांसलेट करके बताऊँगा। केरल दक्षिण स्थित में भारत का एक राज्य है। साल 2011 की जनगणना 2011 के जनगणना अनुसार, जनगणना के दृष्टि से 13वां स्थान है, जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, 13वां स्थान है। सबसे बड़ा राज्य बोला जाए तो राजस्थान है, एरिया के अनुसार बोला जाए, और क्या, और जनसंख्या का पॉपुलेशन के अनुसार बोला जाए तो आपका UP हो जाता है, ठीक है। और 14वें जिलों है, यहाँ पे 14 जिला है। केरल तिरुवनंतपुरम का सबसे बड़ा शहर होने के साथ ही इसकी राजधानी भी है। तिरुवनंतपुरम पहले इसका जो राज्य था, नहीं तो अभी प्रेजेंट में तिरुवनंतपुरम ही है, बट यहाँ का जो सबसे बड़ा जो एरिया के अनुसार तो दूसरा हो जाता है, बट ये पहले का न्यूज है, ठीक है। प्राचीन समय में केरल चेरलम नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्राचीन समय पहले का चेरलम नाम से भी जाना जाता क्या, चेरलम नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। दरअसल यहाँ पर चेरा राजाओं का शासन था, मीन्स यहाँ पर जो केरला था यहाँ पर चेरा राजाओं यहाँ पर शासन करते थे, इसीलिए इसको क्या चेरलम नाम से भी जाना जाता था। पुराने विदेशी यातावर यहाँ आए थे, उन्होंने इसे मालाबार नाम से भी जाना जाता, ठीक है। मालाबार का जो कोस्ट लाइन होता है उसे क्यों जाना जाता है, क्योंकि विदेशी जब यहाँ पर आए थे तो इसको मालाबार नाम यहाँ पर रखे गए थे, ठीक है। फिर बात करें 20वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में केवल दो प्राचीन राज्यों में विभाजित था, जिसमें एक त्रावणकोर राज्य और दूसरा था कोची, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जिसे फेमस डिस्ट्रिक्ट कोची है जी, ठीक है कोची साम्राज्य। साल 1949 में इन दोनों राज्यों को मिलाकर थ्री कोची नामक एक बनाया गया, दोनों को बनाकर एक दूसरा राज्य बनाया गया, ठीक है। ब्रिटिश शासन में केरल का उत्तरी मालाबार क्षेत्र मद्रास प्रांत का भाग था, जिसे आज़ादी के बाद मद्रास राज्य मीन्स चेन्नई भाग बना दिया गया, जो कि तमिलनाडु में प्रजेंट है, ठीक है, तमिलनाडु के नाम से जाना जाता, ठीक है। और फिर बात किया था 1956 माने 1956 राज्य पुनर्गठन एक्ट के मद्रास राज्य के मालाबार जिसे थिरुकोची राज्य, कारगोस्ट तालुका तथा दक्षिण कनारा को मिलाकर केरल राज्य निर्माण कर दिया गया, ठीक है। इसको मिलाकर क्या दक्षिण कनारा को मिलाकर क्या केरला नाम के इसको जाने जाने लगा, ठीक है। मौजूदा समय में हर साल 1 नवंबर केरल पिरजी दिवस, केरल जन्मदिन मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 में इसका स्थापना हुआ था, तो 1 नवंबर को इसको क्या केरल जन्मदिन के नाम से ही मनाया, इसे मलयालम दिवस भी कहा जाता है, ठीक है। मलयालम दिवस क्यों कहा जाता है, मलयालम दिवस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर यहाँ का जो लैंग्वेज है मलयालम है, ठीक है।
फिर बात किया जाए, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट बात करो, बैग चलते हैं, थोड़ा ऑटोमेटिकली काम करने लगता है, ठीक है। तो चलिए जब हम लोग बात कर लेंगे, पूरा लेसन मेरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा लेसन समाप्त होने के बाद, तो उससे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, दो क्यूज आपसे मैं पूछूंगा, और यहाँ पे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको एमसीक्यू दूंगा, उसको आप आंसर देना, ठीक है। तो आपका एग्जाम भी हो जाएगा और आपका टेस्ट भी हो जाएगा, और आपसे पता चल जाएगा आप कितना वीडियो में सीखे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या हो जाता है, ठीक है। कैपिटल, यहाँ कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो जाता है, ये ब्रीफ में डिस्कस करते हैं और फिर बाद में पूरा डिटेल्स तो हम लोग जानेंगे, थोड़ा जल्दी इसको बात करें। फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है, और टोटल एरिया यहाँ के 38,863 किलोमीटर है, और यहाँ पे एरिया वाइज रैंक 22 है, और यहाँ पॉपुलेशन 3,3,3,8,7,6,7,7 यहाँ का है, ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज रैंक 13 है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज रैंक सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, और ये एरिया वाइज हो जाता है तो राजस्थान होता है, ठीक है। अप्रोक्स में प्रेजेंट में बात कहता है, डेंसिटी 860 किलोमीटर, मैंने डेंसिटी के अनुसार, डेंसिटी के अनुसार कहा जाए तो सबसे बड़ा बात किया जाए तो बिहार हो जाता है, और कैपिटल में बात किया जाए तो दिल्ली हो जाता है, ठीक है, पता होगा। लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट है 96.2% है, और सबसे कम रेट बोल जाए लिटरेसी रेट तो बिहार का है 60% अप्रोक्स। और फिर बात किया जाए तो फिर बात के केरला, केरला को पद्मस्वामी टेम्पल यहाँ पर है, ठीक है। केरला में कौन सा टेम्पल है वो बात करते हैं, चलिए सेक्स रे, सेक्स रेशियो हम लोग बात कर चुके हैं, थोड़ा रुक जाइए, वेट मिनट, ठीक है। तो सेक्स रेशियो यहाँ का इतना 10,1084 में सेक्स रेशियो मान से 1,080 फीमेल रहते हैं, और यहाँ पे 1,000 का मेल रहता है, ठीक है। लिटरेसी विधानसभा सीट 141 है, फिर यहाँ पे लोअर हाउस सीट कितना है 20 है, और यहाँ पे अपर हाउस में राज्यसभा सीट, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 14 है। मैं बता, केरला हाई कोर्ट कहाँ पर, तो केरला में है, ठीक है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है मलयालम, और यहाँ पे इंग्लिश भी बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं, बार बार बैग चला जा रहा दो बार, चलिए ठीक है, बार बार बैग जाने का मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बात कर ली हम लोग, वेट वन सेकेंड, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर लिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करें तो हम लोग नेक्स्ट बार बार आगे चला जा रहा है, बार बार बैक चला जा रहा है, वेट वन सेकेंड फ्रेंड्स, देन व्हाट हैपेंड इन माय कंप्यूटर। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे केरला पे कौन कौन से, यहाँ पे पद्मस्वामी टेंपल मैंने बताए, और यहाँ पे लेक्स, यहाँ पे एक दो मैंने यहाँ पे नाम इंक्लूड किया, बाद में जाकर पूरा डिटेल्स बात करेंगे, ठीक है। तस्तवा मुंडी लेक यहाँ पर है, और कुदंग लेक यहाँ पर है, ठीक है। रिवर यहाँ पे कौन कौन से थे, तो कलाडा रिवर है, और यहाँ पे बारथापुजा यहाँ पर है, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात करते हैं, फिर यहाँ पे स्टेडियम कौन कौन से है, तो ठीक है स्टेडियम बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम है केरला, केरला यूनिवर्सिटी स्टेडियम है, ठीक है, बात करते हैं। चलिए बार बार इसको हुआ का बैग चला जा रहा है बार बार, ठीक है। तो चलिए मैं पीछे बैक कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो हम लोग बात कर चुके थे, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे 14, ओ चलिए। तो फोक डांस यहाँ पे कौन कौन से हो जाते हैं, तो कथकली इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे ओटम थुड़ाट भी पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बंदरगाह तो कोची में कोची पोर्ट बंदरगाह है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे नेशनल पार्क पूछा जाए तो इरावकुलम नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मैथी केतल सोला नेशनल पार्क भी है, ये इंपॉर्टेंट है पूछा। फिर यहाँ पे फेस्टिवल ओनम फेस्टिवल तो जरूर पूछा जाता है कोई भी एग्जाम, ठीक है। और सौर ऊर्जा यंत्र यहाँ पे सोलर प्लांट यहाँ पे कौन कौन से, तो बंसूरा सागर डैम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यहाँ पर, ठीक है। और फिर बात की जाए तो वन जीव अभ्यारण्य है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तरमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पे चिमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, ठीक है, बात कर दो, ठीक है।
बात कर लिए। और फिर बात किया जाते हैं यहाँ पे केरला, केरला का जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला जो एरिया तो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है कन्नूर, 40 डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ 14 डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका एरिया क्या आता है 2200, ये पूछा जाएगा, बट ये याद कर लीजिए किलोमीटर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो बात करिए, वो बार बार पीछे चला जा रहा है। और ये बात किया यहाँ पर टोटल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो टोटल यहाँ पर 14 डिस्ट्रिक्ट है, मैंने आपको बताया, ठीक है, 14 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और भी फिर बात किया जाए यहाँ पे टोटल एरिया मैंने बताया 38863, मैं दो दो बार तीन तीन बार आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे एरिया हो जाता है, ठीक है, 22 नंबर यहाँ का एरिया टोटल एरिया वाइज यहाँ करेंगे। और यहाँ पर बात किया टोटल पॉपुलेशन वाइज बात किया जाए तो यहाँ पर पॉपुलेशन वाइज तो 30 नंबर यहाँ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे लिस्ट भी पूरा मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, एक नंबर वन नंबर पे है राजस्थान एरिया वाइज है, और यहाँ पे वन नंबर है जो कि उत्तर प्रदेश है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो मैंने आपको बताया कि मालाबार जो कि कोस्ट लगता है केरला के अनुसार, तो आपको यहाँ पे देख रहे केरला का जो कोस्ट लाइन है उसे मालाबार कहा जाता है। और प्रोक्स सबका मैंने नाम आपके ही इंक्लूड कर दिया है, कौन राज्य को किस नाम से, कौन कोस्ट लाइन को किस राज्य के नाम से, जैसे मैं उड़ीसा को उटकलाम से जाना जाता, ठीक है। और यहाँ पर फिर बात कहते हैं गुजरात को तो कथीवार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कोच बात कहे तो गुजरात को ये राज्य जो पाकिस्तान से लगते हैं कोच के नाम से जाना जाता है। और जो दो राज्य लगता है बॉर्डर के अनुसार, मीन्स यार बॉर्डर करता है दो राज्य से, तो ईस्ट में तमिलनाडु होता है, तमिलनाडु आपका ईस्ट में आपको दिख रहा होगा तमिलनाडु। और फिर वेस्ट साउथ में लगता है अरेबियन सी, वेस्ट साउथ में अरेबियन सी, और यहाँ पे नॉर्थ में केरला लगता है, दो ही राज्य लगता है अप्रोक्स, ठीक है। तो चलिए फिर बात करें यहाँ पे प्रेजेंट इन केरला यहाँ पे रहेगा, सॉरी कर्नाटका नहीं रहेगा, यहाँ पे केरला। इससे पहले मैंने केरला कर्नाटका के वीडियो बनाया था, तो इसलिए मिस्टेक से मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया, ठीक है। तो ये हो जाता है, प्रेजेंट में बात किया जाए तो प्रेजेंट में यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाता है, ठीक है। तो पिनराई विजयन जी यहाँ के क्या प्रेजेंट में यहाँ के क्या चीफ मिनिस्टर हो जाता है, पिनराई विजयन जी होता है। और फिर बात किया जाए गवर्नर तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के का चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पे क्या चीफ मिनिस्टर हो जाता है, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। फिर बात किया सीजीआई यहाँ के माने चीफ जस्टिस आपके करेंट में कौन है, तो एस मनी कुमार जी हैं, जो कि कब यहाँ पे पद पर अपने बैठे, तो 11 और 10 और 2019 का, ठीक है, अक्टूबर में बैठे हैं 11 को, ठीक है। 2019 में यहाँ के गवर्नर बैठे हैं आरिफ जी, और फिर चीफ मिनिस्टर 2016 में बैठे, अभी फिर अपने पद पर हैं, ठीक है। फिर बात किया आपको यहाँ पे हाईकोर्ट केरला का, यहाँ पे केरला हाईकोर्ट आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, आप देख पा रहे हैं इमेज में, क्यों यहाँ पे इंक्लूड ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि इमेज के जरिए जो भी आप पढ़ेंगे वो पूरा आपके माइंड में अंदर चला जाता है, ठीक है, अंदर याद हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैं इंक्लूड करता। फिर बात क्या है कि यहाँ पर भी केरला रहेगा, यहाँ पे कर्नाटका मैंने मिस्टेक से दिया, केरला रहेगा, ठीक है, केरला हाईकोर्ट। यहाँ पे बात क्या है टोटल हाईएस्ट कोर्ट यहाँ पे कितना, ठीक है, टोटल कोस्ट लाइन, ठीक है, बैठ जाता हूँ एक बार। बात क्या है टोटल यहाँ पे टोटल इंडिया हाईएस्ट कोर्ट के अंदर 25 हाई कोर्ट है, यहाँ जो हाई कोर्ट के कहाँ दिल्ली में अपना है, और इसको एनबी यहाँ पे प्रेजेंट में जो हाई कोर्ट के जज हैं वो कौन है, तो एनबी रमन्ना जी है, जो कि 2021 में बैठे, ठीक है। हाई कोर्ट केरला का कहाँ, तो हाई कोर्ट ऑफ द केरला इज द हाई कोर्ट इज द इंडियन स्टेट ऑफ द केरला इन द यूनियन टेरेटरी ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और केरला का दोनों का क्या, लक्षद्वीप जो यूनियन टेरेटरी है दोनों का हाई कोर्ट कहाँ भी है, ये कोची में मरेन ड्राइव एक जगह है वहाँ पर, ठीक है। फिर बात करें अबाउट मीन्स किसके बारे में कुछ और जानते हैं। फॉरेस्ट डे फॉर्मेशन डे का 1 नवंबर 1956 में मनाया जाता है, इसको स्थापना किया गया था, इसका राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। और किन नाम से जाना जाता है केरला को, तो गॉड ऑफ कंट्री के भी नाम से जाना जाता है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ कोकोनट मीन्स कोकोनट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, लैंड ऑफ ट्री के भी नाम से जाना जाता है, फिर जावेल ऑफ साउथ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। फिर बात किया जाए यहाँ पर कैपिटल, तो तिरुवनंतपुरम मैंने बताया, स्थापना दिवस 1 नवंबर को, एरिया और रैंक वाइज एरिया 22 है, और पॉपुलेशन 33387 यहाँ पर, ठीक है, और पॉपुलेशन रैंक है 13 नंबर है, डेंसिटी अनुसार मैंने बताया, लिटरेसी रेट यहाँ पे 96 रहेगा, 94 नहीं है, ये पहले का रैंक है, बट अभी जो रैंक है 96 पॉइंट है, ठीक है। फिर बात किया जाए अभी गवर्नर प्रेजेंट में यहाँ के गवर्नर कौन जाता है, ये गवर्नर पूछा जाता है, गवर्नर तो चेंज होते रहते हैं, बट अभी प्रेजेंट में बात किया जाता है तो आरिफ मोहम्मद खान है, और आरिफ मोहम्मद
प्रेजेंट में फर्स्ट यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट में बात किया जाए तो गवर्नर रईफ मोहम्मद खान है, और यहाँ पे जो बात किया जाए तो फर्स्ट गवर्नर बुरगुल्ला रामकृष्णन जी राव है, ठीक है, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर बोला जाए तो प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर यहाँ पे इलामुकुलम मनक्कर शंकरन, यहाँ पे शंकरन याद रखिएगा, शंकरन शॉर्ट नेम है, शंकरन से याद रखिएगा। और प्रेजेंट में पिनाराई विजयन, मैंने आपको बताया, ठीक है। और बात किया जाए तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन 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 है, प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर, प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर एस मनी कुमार, जो कि 2021 में अपने पद पर बैठे हैं, ठीक है। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर के टी कोसी है, ठीक है। फिर बात किया जाए फॉरेस्ट एरिया अनुसार बात किया जाए तो सबसे बड़ा राज्य हो जाता है फॉरेस्ट के अनुसार, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है। और बात किया जाए परसेंटेज के अनुसार बढ़ कहाँ रहा है तो केरला में बढ़, कर्नाटका में बढ़ रहा है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में भी पॉपुलेशन अनुसार बात किया जाए तो फॉरेस्ट एरिया नंबर वन पर, ठीक है। तो बात की जाए तो 11,521 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर क्या है फॉरेस्ट एरिया, परसेंटेज में बात किया जाए तो 28.99% ग्राफिकल इंडिकेशन अनुसार, ठीक है। फिर बात किया जाए यहाँ पे स्टेट बॉर्डर, मैंने आपको बता ही दिया, तो फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे 11,000 मैंने बताया अप्रोक्स। कोस्टल लाइन जो एरिया इसका कितना लगता है, जो कोस्टल लाइन एरिया कहा जाता है मालाबार कहा जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो कितना है डिस्टेंस, तो 589 किलोमीटर अप्रोक्स है, 8 किलोमीटर है, ठीक है, डिस्टेंस। तो चलिए इतना हम लोग बात कर लिए, 15% हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप भी चाहते हैं, एक और मेरा चैनल है जेसी का ब्लॉग, जहाँ पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता हूँ और कंप्यूटर रिलेटेड भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर से ब्लॉगिंग रिलेटेड यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और कंप्यूटर रिलेटेड भी, कंप्यूटर से रिलेटेड ज्ञान पाना चाहते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पॉपुलेशन अनुसार मैंने बात किया है तो करोड़ में बात किया था 3.46 करोड़ 2018 के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। डेंसिटी 890 है। ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम एंड इंग्लिश है, ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम ही बट इंग्लिश में भी यहाँ पर बोला जाता है। आइडेंटिफाई सिंबल बोला जाए यहाँ पे कौन कौन से, मान के चले स्टेट एनिमल कौन है, स्टेट बर्ड कौन है, स्टेट ट्री कौन है, स्टेट फ्लावर कौन है, स्टेट फ्रूट कौन है। तो स्टेट एनिमल कहा जाए तो एलिमेंट कर्नाटका का भी सेम ही है, इंडियन एलिफेंट है। और यहाँ पे ग्रेट हॉर्नबिल ये पूछा जाता है, ग्रेट हॉर्नबिल किस राज्य का स्टेट बर्ड है। और कोकोनट ट्री पता ही होगा, सबसे ज़्यादा कोकोनट यहाँ पर ही मिलता है, कोकोनट ऑयल जो सबसे यहाँ पे सस्ता मिलता है, सस्ता मिलेगा ये प्रोक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कोनी कोना फ्लावर ही स्टेट फ्लावर है, और जैक फ्रूट यहाँ का स्टेट फ्रूट है। मैंने यहाँ पे इमेज इंक्लूड नहीं किया, छूट गया, तो इसके लिए चलिए आगे बात कर तो अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंस डांस, यहाँ पे डांस कौन कौन से, यहाँ पे डांस आपको परफॉर्म करती है कुछ लेडीज़, यहाँ पे आपको लेडीज दिख रही होगी। कथकली तो इम्पोर्टेंट है, तो पूछा जाता है कथकली ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मोहिनी अट्टम पर तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बात किया था कोलकाली भी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, जो मेजर इम्पोर्टेंट है वही मैंने इंक्लूड किया। यहाँ पर तो बहुत सारा डांस परफॉर्म किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने ही इंक्लूड किया, ठीक है। त्रिवंत्री हो जाए, ठीक है। ओटम थुलक बोला जाता है, कोडियट्टम डांस होता है, फिर चक्यार्न काठू होता है, ओपना होता है, फिर यहाँ पे थ्योयट्टम हो जाए, फिर यहाँ पे मरियमक्की होता है। इम्पोर्टेंट जो कथकली इम्पोर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है, फिर मोहिनीअट्टम भी पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दो ही इम्पोर्टेंट है, कथकली और यहाँ पे दो है, ठीक है। और यूनेस्को लिस्ट तो बहुत सारा यहाँ पे यूनेस्को लिस्ट में पाया जाता है। तो टोटली बात किया जाता है यूनेस्को लिस्ट में जो हेरिटेज साइट है इंडिया से, तो 49 हेरिटेज साइट है, ठीक है। और 49 है, और बात किया जाए तो 14 भी वो एक दूसरा होता है जिसका नाम मैं फॉरगेट मैं भूल गया, तो मैंने दूसरा वीडियो में बताया हूँ। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से जो हेरिटेज साइट है जिसको यूनेस्को लिस्ट में धरोहर में रखा गया, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट को रखा जाए जो कि पैराडाइज ऑन अर्थ के नाम से जाना जाता है। अंचुतुकु फोर्ट के रखा गया है, फिर कृष्णापुरम प्लेस को रखा गया है, फिर त्रिकुट रॉक कट टेम्पल को भी रखा गया है। एसटी मेरी फोर्नेंस चूक है, इसको भी रखा गया है हेरिटेज साइट में। फिर यहाँ पे
हैजी राजा टॉम्ब है, इसको भी रखा गया हेरिटेज साइट में। और अप्रोक्स बहुत ही इडाक्का को इडाक्कल जो केप से उसको भी रखा गया, ठीक है। और जो यहाँ पे दिख रहा होगा श्री पद्मस्वामी, इसको भी रखा गया है। फिर कपाड बेस को भी रखा गया, बेकार फोर्ट को भी रखा गया, एसटी फैंसिक शूज को भी रखा गया, अडूच प्लेस को भी रखा गया है, और पंजर प्लेस को भी रखा गया है यूनेस्को के हेरिटेज साइड में, ठीक है। थाला पेशी फोर्ट को भी रखा गया है, बहुत सारे इस पर बट एप्रोक्स जो मेजर है उसको भी मैंने इंक्लूड रखा है यूनेस्को लिस्ट में, ठीक है। यूनेस्को की बात किया जाए तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर यहाँ पे आपको पेरिस में हो जाता है, ठीक है, आपको याद रखना। फिर बात क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कौन कौन से, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मेजर है तो रबर की खेती यहाँ पर होती है। रबर की खेती आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, जो कि पेड़ को कट करके इसमें से जो वाइट कलर का जो मिल्क जैसा निकलता है उससे ही रबर यहाँ पे क्लिक करके बनाया जाए, ठीक है। कोकोनट सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है, कोकोनट ट्री सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, तो कोकोनट ऑफ स्टेट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरेकट के भी टोपिका भी एक होता है, कॉफ़ी भी यहाँ पे ज़्यादा होता है, टी भी होता है, कार्डोमन भी यहाँ पे पाया जाता है प्रोडक्ट में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट पेज आ जाता है नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन से पाया जाता है। पेरियार टाइगर रिजर्व पे यहाँ पर है पेरियार, तो पेरियार नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, अन्नामुदी सोला नेशनल पार्क है, और बात की जाए तो पम्बदुम सोला नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फिर बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आर्लव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इडुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोतियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पे मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दो बार क्लिक हो गया, डोंट वरी। फिर नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिर बात किया जाए तो पेची वेंजाही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो साउथ इंडियन का जो नाम होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा इसके प्रोनाउंसिएशन करने में डिफिकल्टली आता है, इसलिए थोड़ा लेट होता है, ठीक है। पेमकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंद्रोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिर टेटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर पारम्बिकुलम टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं, फिर यहाँ पर डैम्स कौन कौन सा, ठीक है, यहाँ पे डैम्स कौन कौन से यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इडुकी डैम है जो कि फर्स्ट आर्च डैम ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मलम पुज्जा वाइल्ड लाइफ डैम है जो कि बिगेस्ट डैम के नाम से भी जाना जाता है। नेयार डैम है जो पॉपुलर प्लॉट टाइप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुला पेरियार डैम है जो कि फर्स्ट कंक्रीट डैम के भी नाम से जाना जाता है। और फिर काकरम डैम है, ठीक है, काकरम डैम, मुला पेरियार डैम आपको इमेज में आपको सेम शो हो रहा है, ठीक है। बंसुरुआ सागर डैम है, ठीक है, पदन जरीमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डैम है, फिर और मट्टुपेट्टी डैम है, फिर चेरू थोड़ी डैम है, ठीक है, ये सब डैम हो जाता है। फिर मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, बात करते हैं अपना नेक्स्ट पेज क्या है, टेम्पल कौन कौन से, मैंने आपको शुरुआत स्टार्टिंग में बताया है पद्मस्वामी टेम्पल है, ठीक है। तो सिर्फ पद्मस्वामी टेम्पल है जिसको यूनेस्को हेरिटेज में रखा गया है। सबरीमाला टेम्पल भी यहाँ पर, सबरीमाला टेम्पल ठीक है। गुरुवारिया टेम्पल है, ठीक है, और फिर अतुकल भगवती टेम्पल है, और फिर मानसरोला नगर राजा टेम्पल है, ठीक है। इत्तू मंसूर महादेवा टेम्पल है, ठीक है। अम्बाला पुजला श्री कृष्ण टेम्पल है, और बात किया जाए तो बैकोम महादेवा टेम्पल भी है, और फिर बात किया जाए तो अपना कादा कुम्मथम टेम्पल भी जहाँ पर है। टेम्पल इम्पोर्टेंट बात किया जाए, टेम्पल दो ही इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ पद्मस्वामी टेम्पल पूछा जाता है, ठीक है, सिर्फ पद्मस्वामी टेम्पल पूछा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज अपना आ गया, इसमें बात करेंगे हम लोग मेजर रिवर्स, कौन कौन से यहाँ पे रिवर्स है, ठीक है। तो बात किया जाए जो केरला होता है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो केरला पेरियार नदी के किनारे बसा हुआ, क्या पेरियार मीन्स पेरी से आप याद करते हैं, पेरियार जो कि केरला में पड़ता है। फिर बात किया जाए पुज रिवर है, और पेरियार यहाँ पे केरियार हो गया, पेरियार होना चाहिए था, और यहाँ पे कलपत्ती रिवर है, पेरियार भी है, और यहाँ पे मैनुअर रिवर भी है, पूनम रिवर भी है, और रोनाल्टो रिवर भी है, और रोनाल्टोल्ड है, ठीक है।
और वाटर रिवर भी है, ठीक है। फिर बात क्या है, लेक्स यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे लेक्स कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है। लेक्स बात क्या है, तो मान चिकार रिवर है, कोजिकोड रिवर, कोजिकोज लेप्स है, और मान कोडी केनाल है, यहाँ पे पोडिन जर्चिला है, और थ्रिसुअर सिटी है, सिटी के भी नाम से जाना जाता है, परवार केल्ड है, और एंड पोनुमाडा लेक्स भी है। और यहाँ पे बात किया, नेक्स्ट बात किया जाए तो अपना थ्रिसुर सिटी हो जाता है, फिर हरिसुर सिटी भी हो जाता है, वेलियानी लेक्स भी यहाँ पर है, वेम बैंड लेक्स भी है। और यहाँ पे तो अप्रोक्स सब मैंने इंक्लूड कर दिया जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर इंक्लूड। और बात किया जाए तो सस्थम कोटा लेक्स यहाँ पर, ठीक है। और बात किया जाए तो कादा कोडा लेक्स भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर बात किया है थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट तो राजीव गांधी कंबाइंड थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर है, जो कोई साइकिल पावर प्लांट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। साइकिल पावर प्लांट के भी नाम से जाना, तो बात करें थर्मल पावर प्लांट, हम लोग बात करें राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर है। फिर बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर इमेज में आपको शो हो रहा है, ठीक है। फिर बात है सोलर पावर प्लांट, तो सोलर पावर प्लांट कोची इंटरनेशनल एयर सोलर पावर प्लांट है। फिर बात किया जाए तो फ्लोटिंग पावर प्लांट केरला में है, ठीक है। फिर बात किया तो कासगोड सोलर पावर प्लांट है, जो कि यहाँ पे इंडियन लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट केरला में ही स्थापित किया गया, रिसेंट में किया गया, ठीक है। फिर बात किया फेमस एयरपोर्ट यहाँ पे कौन कौन से हैं, ठीक है। फेमस एयरपोर्ट तो तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको ये यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है, ठीक है। और फिर बात किया तो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया। और फिर बात किया जाए तो कलिकुट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। और फिर बात किया जाए तो कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो यूपी के अंदर आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि यूपी में है, ये आपको याद रखना, ठीक है। फिर बात किया जाए फेमस स्टेडियम यहाँ पे कौन कौन सा है, ठीक है। फेमस स्टेडियम तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि कोची में है, कोची को सी से भी लिखा जाता है और कहीं कभी के से भी लिखा था, तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे सी से भी लिखें और आप के से भी लिखें, ठीक है। तो डोंट वरी, राजीव गांधी इंदौर स्टेडियम है, ठीक है। फिर बात किया तो त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल स्टेडियम है। फिर बात किया जाए तो जिम्मी जॉर्ज स्टेडियम है। और फिर बात के इंटरनेशनल एस्ट्रो ट्रंप स्टेडियम है। फिर बात किया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है। फिर बात किया जाए तो मालापुरम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम कुन्नूर स्टेडियम है, ठीक है, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर बात किया जाए तो चंद्रशेखर नारायण स्टेडियम कहाँ पर है, चंद्रशेखर नायर स्टेडियम कहाँ पर है, तो सेंट्रल स्टेडियम का ये तो कोची में ही ज़्यादा यहाँ पर स्टेडियम है, ठीक है। और फिर चलिए बात करते हैं हम लोग ट्राइब्स के बारे में। ट्राइब्स क्या होता है कि जनजातियाँ होता है, ट्राइब्स मीन्स क्या होता है, जनजातियाँ। जनजातियों का पॉपुलेशन कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। तो ट्राइब्स होता है, ठीक है, ट्राइब्स में जनजातियाँ। तो यहाँ पे कौन कौन से ट्राइब पाया जाता है, ठीक है, मालासर ट्राइब्स पाया जाता है, और यहाँ पर बात करते हैं अदियन ट्राइब्स, और यहाँ पर इरावलम ट्राइब्स पाया जाता है, और मालाकुलम ट्राइब्स यहाँ पर, कोरया ट्राइब्स और मधुगर ट्राइब्स यहाँ पर, करीप्लम ट्राइब्स पाया जाता है, और यहाँ पे करुम्बा ट्राइब्स और पेरियन ट्राइब्स पाए जाते हैं। मालासर ट्राइब्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट एसएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था, वो 2-3 दिन पहले एसएससी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट स्टेटिक जी का पूरा टोटली हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, और देन वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, भागना नहीं वीडियो छोड़ के, नहीं तो आपको इम्पोर्टेंट जी के अभी बहुत इम्पोर्टेंट आने वाला है, जो कि इसके बारे में हम लास्ट मोलो क्या इम्पोर्टेंट एमसी की भी बात करेंगे, और आपको मैं दो क्यूज भी दूंगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर उसको बताना है, ठीक। वीडियो में अंत तक बने रहिए, तो चलिए आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट मोमेंट कौन कौन से यहाँ पर है, ठीक है। तो इडेक्कल कैप्स, जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट मोमेंट्स है, जो कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस के रूप में जा सकता है, ठीक है। और फिर बात करें तो बेकाल फोर्ट है, बेकाल फोर्ट यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज, जो कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे मेल एंड फीमेल यहाँ पे चढ़कर मजा ले रहे हैं। पुंजर प्लेस है, ठीक है। और एसटी फ्रांसिल चूर्ग है, और फोर्ट कोची भी है, कुलाम भी है, और थालसी फोर्ट भी है, थाला सेरी फोर्ट बैथरी, कुड्डी रोक का टेंपल भी है, और
कृष्णापुरम प्लेस भी है और बात कहें तो थ्रिशूर प्लेस भी है, ठीक है। और फिर बात कहें नेक्स्ट अपना पेज आता है निक नेम ऑफ द सिटी। बात करें निक नेम्स भी क्या होता है, उपनाम होता है, ठीक है। उपनाम इसका उनको किस नाम से जाना जाता है। एग्जांपल फॉर दैट मैं आपको बता दूं कि जो नरेंद्र मोदी को भी मोदी के भी नाम से जाना जाता है, जो कि अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री है इंडिया का, ठीक है, अपने भारत देश का, ठीक है। और बात करें तो बहुत सारा जो निक नेम से भी जाना जाता है बहुत सारा, तो चलिए बात करते हैं कोची को किस नाम से जाना जाता है। तो कोची को गेटवे ऑफ केरला के नाम से भी जाना है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरे ही चैनल पर जेके मस्त मस्त चैनल पर मेरा एक और प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कि निक नेम ऑफ द सिटी के भी नाम से बना है। तो उसमें हम लोग क्या ओनली निक नेम्स के बारे में जानते हैं, एक वीडियो में पांच राज्य के बारे में जानते हैं। तो वीडियो आप देखना चाहते हैं निक नेम से तो आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर लिए, जाके देख सकते हैं। अप्रोक्स 10 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के भी नाम से जाना जाता है, रानी कहा जाता है क्वीन सिटी के, तू मेरी रानी। चलिए गॉड ऑफ द वन काउंट्री के भी नाम से जाना जाता है। फिर चलिए बात करते हैं और कोलाम डिस्ट्रिक्ट उसको किस नाम से जाना जाता है, तो प्रिंस ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है, कासवे कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, गेटवे ऑफ द बैक वाटर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर तिरुवनंतपुरम को किस नाम, तिरुवनंतपुरम क्या आप बताइए, तो नहीं पता, अभी आपको मैंने बताया तिरुवनंतपुरम क्या राजधानी है, केरला की राजधानी है। तो चलिए तिरुवनंतपुरम को किस नाम के जाना जाता है, इवर ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर बात करें तो गॉड ऑफ वन लैंड के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ लॉन्ड एंटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको इमेज में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इमेज में दिखाया था जो यहाँ पे लेडी आपको दिख रही है, जिसका डांस में इनका नृत्यांगना है, तो मोहिनीअट्टम के नाम से मोहिनीअट्टम जो कि डांस परफॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पे फोक डांस कौन कौन से हो जाए, तो कथकली मोहिनीअट्टम दो इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है, ठीक है। और कलकानी उत्तम थुलम और कोडियार और यहाँ पे उपमा और थेयान इम्पोर्टेंट दो ही है, तो दो आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट रिलीजन फेस्टिवल, यहाँ पे फेस्टिवल कौन कौन से हैं, फेस्टिवल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि सम लेडीज परफॉर्म कर रही हैं। तो दो एनुअल बैक्था स्वाथामी फेस्टिवल, बैक्था स्वाथामी द एनुअल मैंने एक साल में एक बार होता है, बिहू तो भाई इंपॉर्टेंट है, आपको तो याद रखना है, बिहू तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा ही जाएगा कोई एग्जाम। और बिहू और बिशु संक्रमणा और ओनम तो इम्पोर्टेंट भाई, ये तो पूछा जाता है, ओनम और बिहू दो तो जरूर पूछा जाता है, केरल में ही होता है फेस्टिवल, पूछा जाता है ऐसा, पूछा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, ओनम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरला मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए बात कर टूरिस्ट प्लेस, यहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे आप जाकर घूमकर मजा ले सकते हैं, किसी के साथ जा से ये नहीं कि उसी के साथ ही जाएंगे। फिर बात कर फोर्ट कोची और कोलाम, थालासेली फोर्ट, यहाँ पर थ्रिशूर और इडक्कल कैप्स और वेकाल फोर्ट है और पुंजार प्लेस है एसटी और फर्सिस। अप्रोक्स अपना 37 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो और दो तीन मिनट आपको देना है, तो वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद तो लाइक शेयर चैनल बनाते हैं, लोगों को सब्सक्राइब करना है जरूर, ठीक है ना। चलिए तो आप जाकर यहाँ पर देख रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है, अति सुंदर आप देख रहे हैं, कुछ यहाँ पर पर्सन गए हैं घूम रहे हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं केरला में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केरला में, ठीक है, केरला में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं ज्योग्राफी इंडिकेशन, ज्योग्राफी इंडिकेशन मीन्स का जी आई टेक किन किन प्रोडक्ट को दिया गया इसमें, ठीक है। तो बात करें पहला बात करें तो अर्मुंडा बहुत सारा दिया गया है जी आई टैग केरला के अंदर, बट बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका के अंदर जी आई टैग दिया गया, लार्जेस्ट पॉपुलेशन लार्जेस्ट जी आई टैग प्रोजेक्ट को दिया गया। तो बात करें तो अर्मुंडा कंडानी है, ठीक है। और फिर बात करें तो पेंच मीनान पासा डैम कुछ होता है सर, आई डोंट नो क्या है, पता नहीं, बेटन लीफ जो होता है उसके, तो फिर पलाडम मट्टा राइस या पलाडम पलाका डैम है, ठीक है, पलाका डैम यहाँ पर राइस है उसको दिया गया। और यहाँ पे एक साड़ी है ठीक है बालारा मैपुरम जो कि साड़ी यहाँ पर दी गई, फाइन कॉटन फैब्रिक है, यहाँ पे नाम ही गजब गजब का होता है भाई, क्या ही कहा जाए। तो चलिए बात करते हैं, हम तो बात कर लिए पूरा, बात आपको अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ पर सिंबल दिख रहा होगा क्या, कुटुर टुकुर देखते हो क्या, एमसीक्यू बात करेंगे एंड क्यूज बात करेंगे। एमसीक्यू आपको
बताना है कमेंट सेक्शन। 10 एमसीक्यू बात करेंगे, 10 में आपका कितना सही होता है आप तो भगवान ही पता करेगा, गॉड ही पता करेगा कितना आप ध्यान से वीडियो देखें ना। और क्यूज मैं आपको दो दूंगा, दो आपको बताना है कमेंट सेक्शन। मैं आपको क्यूज नहीं बताऊंगा, यानी कि मैं आपको बता दूंगा नहीं बताऊंगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट अपना, और आपको देख रहा है कि कहाँ कहाँ आप रखे हैं छुपा के आइटम, नॉट आइटम इज अ फनी, चलिए इट्स अ जोक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट अपना केरला का जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आता है उसमें आपको 5 सेकंड में जवाब दे देना है, ठीक है। मैं आपको नहीं 6 सेकंड दूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा हूं। तो चलिए, विच पहला एमसीक्यू, विच वन द लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया वाइज ऑफ केरला, मीन्स का केरला, केरला जो केरला में जो सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन रहता हो, तो आपको बताइए। 1 2 3 4 5 खत्म। तो चलिए, सबसे बड़ा जो हो जाता है डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज तो कुन्नूर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात करें, ओ भाई कहाँ चला गया भाई। तो चलिए सेकंड नंबर आ जाता है, सेकंड नंबर, व्हेन वाज एस्टैब्लिश केरला इज ए सेपरेट इंडियन स्टेट, माने केरला को किस राज्य में सेपरेट, सॉरी केरला को कब एक सेपरेट राज्य बना दिया गया। तो चलिए बताइए, 1 2 3 4 5 मैं साइलेंट रहता हूँ, नहीं तो आप बोले कि हरदम अब बोलते रहो तो नो। तो चलिए, तो इसको मैंने आपको बताया, एक नवंबर में झारखंड को भी, 9 नवंबर 2000 को झारखंड को भी बनाया गया बिहार से अलग करके, ठीक है। तो वीडियो आप नहीं दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को और सबसे बड़ा ताकतवर बन सकते हैं, ठीक है। तो कब बनाया गया, तो 1956 माने से 56 में बनाया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। थर्ड नंबर आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, ये नहीं कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, गलत नहीं, आप गूगल भी कर सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट शेयर्ड इट्स बॉर्डर, माने कौन कौन से राज्य हैं, कौन ऐसा राज्य इसमें से चार ऑप्शन में से जो कि शेयर करता है केरला से लगता है। तो गोवा, गोवा, अरे गोवा का, गोवा तो उधर सबसे छोटा राज्य है, ये नहीं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी नहीं, तमिलनाडु हो सकता है अप्रोक्स, आई डोंट नो, छत्तीसगढ़ ये तो लगता ही नहीं भाई, छत्तीसगढ़ कहाँ चले गए जंगली एरिया, तो तमिलनाडु लगता है। चलिए तमिलनाडु, आई थिंक, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ही टाइम वेस्ट होता है और बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो कंपलसरी है भाई। चलिए भाई भाई, तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला, केरला का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन हो जाता है, क्या बंगाली होता है, क्या उर्दू होता है, क्या मराठी होता है, क्या मल्यम होता है, बताइए। अगर आप इस क्वेश्चन को बता दें आपको मिलेगा 5 लाख रुपये नहीं फनी, मजाक कर रहा था। तो मलयालम यहाँ पे, क्या मलयालम यहाँ पे का ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर बात है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, मिस प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर केरला कौन है, मनीष अभी फिलहाल में प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है आपको बताना, मैंने आपको बताया था 10 मिनट पहले, 10 मिनट नहीं 30 मिनट्स पहले मैंने आपको बताया था। तो बताइए कौन है, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार है राज, तो नीतीश कुमार तो प्रेजेंट में है, तो बिहार के क्या हो जाते हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर है। फिर बैठ के पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी तो प्रेजेंट में अभी बैठे हैं, जो कि इलेक्शन 5 राज्य में हुआ था, तो प्रेजेंट में बैठे हैं कौन, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के, यूके, यूके मिस यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। और शिवराज सिंह चौहान, ये तो कहाँ के हैं, कहाँ के हैं बताइए ना, कहाँ के हैं आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता है तो मैं तो बता ही दूंगा, ये कहाँ के, मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो आंसर इसके अप्रोक्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, पिनराइज, ठीक है। फिर बात करें, 6 नंबर अपना क्वेश्चन एमसीक्यू की बात है, व्हाट रैंक्स डज रैंक केरला होल्ड्स इन द लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ एरिया वाइज, मीन्स एरिया वाइज जो केरला है वो किस नंबर पे आता है, तो बताइए। आराम आराम आराम, कंफर्ट जोन, तो चलिए 22 हो जाता है, ठीक है। आप ध्यान कहाँ दे रहे हैं, आपका ध्यान उधर, वीडियो ध्यान से देख नहीं पा रहा, कहाँ समझ में आपका, तो 22nd नंबर हो जाता, ठीक है। फिर बात करते हो, व्हाट इज़ द एरिया, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ केरला, मीन्स केरला का एरिया क्या हो जाता, टोटली एरिया क्या है, मैंने आपको बताया था
करोड़ में आपको बताना, तो ये हो सकता है एकता, बी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, तो सी हो जाएगा 3.59 करोड़। यहाँ का क्या हो जाता है टोटली एरिया वाइज हो जाता है इतना। फिर नेक्स्ट बात, हाउ मेनी कंट्रीज डू केरला शेयर इट्स बॉर्डर, मीन्स कौन कितने कंट्री लगते हैं केरला के बॉर्डर से, ठीक है। तो कोस्ट लाइन तो लगता है उसको मालाबार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कितने कंट्री लगता है आपको बताना, चलिए बताइए, 5 सेकंड का टाइम है। तो आई होप आप करेक्ट आंसर बताए होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एक भी नहीं, नॉट इन इवन, एक भी नहीं लगता है, क्योंकि ये तो कोई काउंट्री से लगेगा नहीं, तो लगेगा कहाँ से काउंट्री से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 9 नंबर अपना एमसीक्यू आता है, तो हाउ मेनी स्टेट डू केरला शेयर इन द बॉर्डर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही वीडियो में कि कितने राज्य लगते हैं केरला के बॉर्डर से, ठीक है। तो 6 तो हो नहीं सकता है, 5, 4 तो हो नहीं सकता है, 3 हो नहीं सकता है, तो अप्रोक्स 2 ही हो सकता है, तो 2 ही राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी आप टोटल नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, टोटल नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कितना हो सकता होता हो सकता है का कितना नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है केरला में, ठीक है, तो आपको बताना, ठीक है। तो 14 राइट आंसर हो जाएगा, चलिए 14 आंसर राइट हो जाएगा। 14 यहाँ पे का केरला में टोटल राज्य टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 14 है, ठीक है। 38 का है, 38 कितने, 38 कहाँ का है, तो बिहार का है, और 31 ये कर्नाटक है, 75 सबसे लार्जेस्ट है, तो ये यूपी का है, क्या है, यूपी का। तो आपको पता ही होगा यूपी में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो क्या डिस्ट्रिक्ट होगा ही, ये तो हमेशा सत्य है, इट इज़ ट्रू। तो चलिए बात करते हैं, आई थिंक आप जितना भी सही आपका हुआ होगा 10 MCQ में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपका 10 में से कितना सही हुआ। तो चलिए आपका क्यूज में दो, मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में आपको मैं क्यूज भी दो दूंगा, तो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन कर्नाटका, कर्नाटका में टोटली डिस्ट्रिक्ट कितना आपको बताता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए फिर बात करें आइडेंटिफाई, पहचान कौन, पहचान कौन, आपको यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत ही सुसभ्यत यहाँ पे मेंबर जो कि पगड़ी लगाए हुए हैं तो इनका पहचानना है ये कौन हो जाते हैं, किस राज्य के हैं, ये सीएम है प्रेजेंट में बैठे हैं, प्रेजेंट में सीएम है, किन राज्य के हैं आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट सेक्शन बताएंगे तो मैं आपको क्या करूँगा, आपका कमेंट सेक्शन का जो स्क्रीनशॉट काट के नेक्स्ट वीडियो में आपको आपका नाम प्रचार प्रसार करूँगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना, वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा वीडियो देखकर, और बहुत बहुत ही कुछ सीख गए होंगे आप। और वीडियो में कुछ भी पसंद आपका है तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर, ग्रुप में डालें, क्योंकि सबको ये। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और जहाँ भी रहे खुश रहें और मस्त रहें और अपने घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत, कोरोना से बच कर रहें, ठीक है, फिर आ रहा है।